नमस्कार, केवल सच न्यूज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना एस्ट्रो मित्र डॉक्टर एस कौशिक आप सबको नवरात्र के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, केवल सच के इस परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को एवं विश्व के समस्त चराचर जीव जंतु पर माँ भगवती अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी कामना हम करते हैं। सनातन परंपरा का ये महानतम पर्व नवरात्र वर्ष में दो बार आता है और कहा जाता है कि अन्य दो बार गोपनीय रूप से आता है। मित्रों, नवरात्र न केवल माँ भगवती जगत जननी का पर्व है, यह पर्व वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से भी अपना एक महत्व रखता है। जरूरत है हमें उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझना होगा। आज कुछ लोग हमारे सनातन परंपरा के पर्वों पर उंगली उठाते हैं, शायद हम जानकारी के अभाव में उन्हें तर्क नहीं दे पाते, इसलिए वो लोग उंगली उठाते हैं। नवरात्र का पर्व शरदीय नवरात्र एवं चैत्र पक्ष का जो नवरात्र आता है, दूसरा वो प्रत्यक्ष नवरात्र है। शरद नवरात्र का अर्थ है सर्दी की शुरुआत, अर्थात प्रकृति में ऐसा परिवर्तन देखने को हमें मिलता है जिसमें ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और शरद ऋतु की शुरुआत होती है। इसके बाद 6 महीने बाद चैत्र मास का आगाज होगा और शरद ऋतु का अंत होगा और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होगी। ऐसे में सृष्टि के परिवर्तन को अनुभव करने के लिए यह बहुत ही उत्तम समय होता है। इस समय में हमें सृष्टि में, प्रकृति में बदलाव देखने को मिलता है। यह बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो नवरात्र कहा गया है माँ जगत जननी दुर्गा के 9 रूपों का अलग अलग पूजन करने का पर्व है। आज षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी देवी का पूजन किया जाता है। कहते हैं दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में कहते हैं माँ जगत जननी ने कात्यायन ऋषि जिनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब से उन्हें कात्यायनी कहा गया। कात्यायन ऋषि माँ भगवती जगत जननी दुर्गा के उपासक थे। उस दुर्गा की उपासना से उन्होंने माता से यह वरदान प्राप्त किया कि वह उनकी पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले और उनकी यह इच्छा पूरी कर उन्होंने कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लिया। कथा के अनुसार कात्यायन ऋषि ने 3 दिन उनका पूजन किया, उसके बाद देवी महिषासुर जैसे दैत्यों का वध करने के लिए चली गई। माँ कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है। वहां की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी का पूजन किया तथा उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हुई। ऐसा कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा जो भी कुवारे लड़के या लड़कियां करते हैं उन्हें मनवांछित अपना संबंधी, अपनी प्रियतमा की प्राप्ति होती है जीवन में। इस तरह भी कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ भगवती को मीठा पान या शहद युक्त पान अर्पण किया जाता है। माँ भगवती को फल एवं मिठाई का ही भोग लगाया जाता है। इससे इतर माँ भगवती को अन्य लोभ प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं। यथा सामर्थ्य अनुसार आप मिठाई या फल देंगे तो माता उसमें भी प्रसन्न है। माँ भगवती साक्षात
सौम्य चतुर्भुजधारी रूप में है। उसका पूजन सभी भक्तों का कल्याण करने वाला है। माता के पूजन में साथ में ही हम एक मंत्र दे रहे हैं। यदि इस मंत्र का जप विधि विधान पूर्वक, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके विवाह में विलंब है, वो लोग करते हैं या ब्राह्मणों द्वारा करवाते हैं, तो उनका शीघ्र विवाह होता है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण हमें प्राप्त होता है। मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इस YouTube चैनल केवल सच, इससे जुड़े सभी बंधु बांधव व इस परिवार के सभी सदस्य माँ भगवती का पूजन कर माँ भगवती की अनुकंपा प्राप्त करें और नवरात्र में माँ भगवती और प्रकृति के परिवर्तन को अनुभव कर माँ भगवती की शरण को प्राप्त करें। जय माता की।